क्लास सिक्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, मोर ऑन एक्सेल। जस्ट इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले एक्सेल में हमें वर्क किस में करना होता है? स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट जो है वो आपका किन से मिलकर बनी हुई होती है? रोज एंड कॉलम से। ईच सेल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। स्प्रेडशीट जो है वो आपको डेटा को स्टोर करने की, ऑर्गेनाइज करने की और सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपको। इससे पहले आपने एमएस एक्सेल और इसके बेसिक फीचर के बारे में पढ़ा हुआ। इससे पहले अब बात करते हैं इसके टॉपिक की, वो है आपका सिलेक्टेड और डिसलेक्टिंग रेंज, कि किस तरीके से आप अपना डेटा जो है एक रेंज में सिलेक्ट कर सकते हैं या डिसलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्टली टू सिलेक्ट ए रेंज यूजिंग माउस। माउस से आपको कोई रेंज सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन करके दिखाई हुई है, जो ये नंबरिंग फॉर्म है, ये नंबरिंग फॉर्म है, ये आपकी रोज़ होती हैं और जो ये अल्फ़ाबेट लिखी हुई है ए बी सी डी, ये आपके क्या होते हैं? कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद देखिए टू सिलेक्ट फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट है पॉइंट द माउस पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल। आपको फर्स्ट सेल, जैसे ये मेरी A1 जो है ये मेरी फर्स्ट सेल है, तो मुझे फर्स्ट सेल पे पॉइंटर लेके आना है। ठीक है, जहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है और उसको डायगनली जो है ड्रैग करते हुए लेके आएंगे और जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करके उसको रिलीज़ कर देंगे। इस तरीके से माउस की हेल्प से आप अपना जो सेल है, एक रेंज है, सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट ए कंप्लीट कॉलम, कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, इसकी कॉलम हेडिंग पे क्लिक कर देना है। जस्ट इसकी कॉलम हेडिंग पे क्लिक कर देना है, यानी कोई भी जो भी आपको कॉलम करना है, जैसे मेरे को ए करना है तो ए कॉलम करना है तो ए पे क्लिक कर देना है और आपकी पूरा कॉलम जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट रो चाहिए तो आपको नंबर पे करना है, जो आपका ये नंबरिंग है, जैसे 4 वाली रो सिलेक्ट करनी है तो आपको 4 पे क्लिक कर देना है, इससे आपकी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। और आपको कोई रेंज जो है कीबोर्ड के साथ सिलेक्ट करनी है तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है होल्ड पे और उसके बाद मूव टू लास्ट टू लोअर रेंज और एरो कीज़ की हेल्प से आप कहाँ पे चले जाओगे, जहाँ तक आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद है आपका एंटायर वर्कशीट। तो आपको जिससे ये क्रॉस सेक्शन वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट अ ह्यूज रेंज। अगर आपको एक बहुत बड़ी रेंज सिलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना है, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड का यूज़ करना है। और एक्सटेंड सिलेक्शन मोड आपका किस तरीके से एक्टिव होगा, जस्ट क्लिक एट द फर्स्ट सेल। सबसे पहले आपको जहां से रेंज लेनी है वहां पे फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करते ही आपकी एक्टिवेट हो जाएगी एक्सटेंड सिलेक्शन। उसके बाद जो है आपका स्टेटस बार पे भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका एक्सटेंड सिलेक्शन मोड एक्टिव हो गया है। और अब आप लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है लास्ट सेल तक, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ क्या किया, सिलेक्शन।